आप भी अगर बिहार से हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि हमारे बिहार में क्यों फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है और हमारे बिहार के लोग क्यों जाते हैं बाहर कमाने रहने। आपने हाल ही में कोरोना वायरस का जो ये कहर था इसके चलते देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे, जो महाराष्ट्र और तेलंगाना और बहुत सारे जो हरियाणा में काम कर रहे हैं, वो वापस लौट के आए। और हाल ही में फिर अभी ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि बहुत सारे जो मजदूर हैं फिर से पलायन करके अब वहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ खास है नहीं। तो ऐसा क्या कारण है जो हमारे बिहार में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है? तो इसी पे दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि हमारे बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है। इस पे सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रोल होता है वो राजनीतिक रोल बिल्कुल है, क्योंकि बिना सरकार के चाहे ऐसा हो नहीं सकता। और इसके लिए हम आपको पीछे कुछ ले जाना चाहेंगे। सन 1991 से 2005 के बीच जो बिहार का हाल हुआ उसके बाद से बिहार बहुत पिछड़ा, नहीं तो बिहार काफ़ी उस समय आगे जा सकता था। और सन 2000 में जो हमारे पास इंडस्ट्रियल का जो एक जो मान लीजिए बहुत सारा हब जो था, जैसे जमशेदपुर टाटा जो वहाँ से स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, और जो धनबाद में जो भारत का कोयले का राजधानी है, कोयला का खदान है, माइनिंग है, सारा जो इंडस्ट्रियल पार्ट था वो तो हमारा झारखंड में चला गया। और राजनीतिक कारण मैंने इसलिए बोला कि खास है क्योंकि सन 1991 से जो हुआ उस समय आरजेडी की सरकार थी और 1991 से 92 के बीच में बहुत सारे नरसंहार हुए हैं हमारे बिहार में। और उसके बाद फिर हम ही लोग जो हैं वैसे चुन के भेजते हैं सरकार को और हम ही लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा रोल ये है कि हम जो सरकार चुन रहे हैं ये बात का ध्यान रख लें कि जाति वाति सब तो चलता ही रहता है, ये हमारे बिहार में सबसे बड़ा ये कारण है। और जो भी सरकार को हम बना रहे हैं वो हमारी अगर भलाई के लिए देखना चाहिए, ना कि कोई हमारे कास्ट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए विकास का मुद्दा पे बात करें तभी हमें बनाना चाहिए। दोस्तों 1991 से 2005 के बीच जो सरकार थी वो आरजेडी की सरकार थी हमारे बिहार में, और बहुत सारे उसी समय ऐसे ऐसे चीज़ हुए जैसे नरसंहार हुआ 1991 से 92 के बीच में, और उसके बाद आरजेडी की सरकार थी और बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे जगह आप देखोगे बूथ लूटा गया, बहुत सारे पेपर अखबार में उस समय आ रहे थे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बहुत सारे आरोप भी लगे, बहुत सारे घोटाला के भी आरोप लगा। देन उसके बाद फिर से हम ही लोग चुन के आरजेडी के जो ये था पार्टी का उसको हम लोग सरकार बनाते हैं। देन उसके बाद सन 2000 ईस्वी में होता है कि हमारा बिहार से झारखंड जो है अलग हो जाता है, और झारखंड अलग होने के बाद जितना भी इंडस्ट्रियल जो था जैसे जमशेदपुर टाटा जहाँ से हमारा पूरा स्टील का जो मेन प्लांट है वहीं से निकलता था, और जो बोकारो स्टील प्लांट है, और उसके बाद जो धनबाद है जहाँ से वहाँ पे पूरा कोयला का खदान है, और बहुत सारे झारखंड में ऐसे माइनिंग थे जहाँ जगह वहाँ से मिनरल प्रोडक्ट था, तो वो हट गया हमारे बिहार से। और उसके बाद बिहार में सबसे पहला दूसरा का ये कारण हुआ, और दूसरा कारण ये रहा कि बिहार में हमारे सारा इंडस्ट्रियल तो चला गया और बिहार हमारा लैंड लोड जो एरिया है हमारा बिहार के पास है, ना कोई बड़ा बंदरगाह है और ना ही कोई बहुत बड़ा कोई ऐसे जो कंपनी है हमारे बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहता है आपके एरिया आपके शहर में, आप लोग पूछते हैं ना, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ऐसे बात होता है तो लोग यही बोलेंगे कि बिहार में हमारा इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, होता तो ऐसे रोजगार मिलता, ये होता वो होता। तो सबसे पहला कारण आप जान लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी कंपनी अपना इस्टेब्लिश करेगा तो क्यों करेगा? सबसे पहले जो कारण मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कारण तो वहाँ पे देखिएगा कि क्राइम ना हो, क्राइम फ्री हो, और वहाँ पे जो ये धांधली जो दादागिरी होती है ये सब ना हो। दूसरा कि वहाँ पे रॉ मटेरियल जो कंपनी को है सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाए। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एकदम कंटिन्यूसली मिले। देन उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, तो वो हमारे बिहार में जो साक्षरता दर है अभी
सुधरा है कुछ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सुधरने की जरूरत है। और इन सब कारण ये जो रहते हैं, तब कोई इंडस्ट्री इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के साथ साथ वो देखता है कि अगर हाँ वहाँ से हमारा रिटर्न होगा, ऐसा कुछ होगा, तब बड़ा निवेश कोई करता है। और बिहार में यही जो कारण है, इसके चलते बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। और दूसरा, खुद हमारे जो बिहार में लोग हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं। कोई से भी अगर बिहार में आप जाइए, पूछ लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, सबसे पहले वो बोलेगा या तो सरकारी नौकरी का, सबसे पहले बोलेगा SSC, CGL, GG, जो भी सब होता है, रेलवे में ग्रुप डी, ग्रुप सी, पता नहीं क्या क्या, बैंकिंग में। और किसी से भी पूछिए बिजनेस करने के बारे में, एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा कि ये होगा, वो होगा। और कोई बिजनेस करना भी चाहे तो जाएगा, तो पीछे से दो लोग क्या बोलेंगे, देखिए 24 जी गए थे 6वें बनने, लौट के हैं 2वें बन के। यही बोलेंगे सब कि ये होगा, लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। करना तो कोई नहीं चाहता है, और सब सोचते हैं कि रोजगार आए। रोजगार कैसे आएगा? कोई बिजनेस करना नहीं चाहता, सब सोचता है कि सरकारी नौकरी करें। बिहार में बहुत सारे जो व्यापार हैं, वो हमारे बिहार में कमी है, उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बिहार में ऐसा बिजनेस तो करना के छोड़िए, उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो इन सब जो कारण है, इसके चलते हमारे बिहार में जो रोजगार है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। और जो हमारे बिहार में ये लैंड लॉक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास ये कमजोरी है। इसको हम प्रॉफिटेब में कैसे बदल सकते हैं? प्रॉफिट में बदलने के लिए सबसे पहले हम कृषि पर जो प्रक्रिया है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जो कृषि प्रक्रिया है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, पंजाब और हरियाणा में जो खेती होता है, वो काफ़ी अत्याधुनिक उपकरण से होता है। और हमारे बिहार में क्या होता है, बस वही नॉर्मल जो प्रक्रिया उसी से होता है। और सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं, वो क्या करते हैं, बस चावल गेहूं का खेती करते हैं। ऐसा ही खेती में बस यही हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे देखते हैं कि 6 महीना चावल गेहूं डाल दिए, मतलब चावल का कोई खेती कर दिए, 6 महीना वेट किए हैं, क्या करेंगे गांव में, गांजा पियेंगे या फिर ताश खेलेंगे? हंसने की बात नहीं है, ना ही कोई ये मजाक में कर रहा हूँ, ये सही बात है, मैं खुद देखता हूँ। और दूसरा बात ये है कि लोग अगर जो 6 महीना बैठते हैं, उसमें कुछ रोजगार करें या फिर कुछ अच्छा करें, तो काफ़ी अर्निंग हो सकता है। वो जो प्रक्रिया चावल गेहूँ जो खेती होता है, उसको चेंज करें। बहुत सारे इससे देखिए फायदा दो तीन होता है। अगर खेती में वही आप करते हैं, तो जो उपजाऊ मिट्टी होता है, उसका जो क्वालिटी होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आप बदल बदल के नया चीज़ उत्पाद करते हैं, तो काफ़ी जो मिट्टी है वहाँ का तो उपजाऊ होता ही है। साथ में बहुत सारे जो नए प्रकार के आप करेंगे, जैसे सब्जी का खेती कर सकते हैं, बहुत सारे फल का खेती कर सकते हैं, बहुत सारे जैसे बम्बूस ट्रीज का भी खेती कर सकते हैं। बिहार में तो हमको नहीं लगता कि कोई भी बम्बूस ट्री का खेती करता होगा। और बहुत सारे पोल्ट्री हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं, जैसे मछली पालन कर सकते हैं। ये सब कुछ जो है करके बिजनेस जनरेट हो सकता है, जैसे छोटी मोटी बात नहीं है। इसे अगर चाहे तो बहुत कुछ आदमी कर सकता है। बिना दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको किसी न किसी आदमी का जरूरत पड़ेगा, दो हो या चार हो। तो ऐसे करके आप रोजगार तो बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ जो अपना अर्निंग है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कुछ कारण थे दोस्तों, मैंने आपको बताया। कैसा वीडियो लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, और कोई क्वेश्चन रहता है तो मेरे से जरूर पूछिए। दोस्तों फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।